हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप यूपी स्कॉलरशिप से दोस्तों अपना ऑनलाइन फॉर्म जो भी स्कॉलरशिप का है वो किस प्रकार से फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी 95 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपना आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें टाइप कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। दोस्तों जैसे ही आप इसमें यूपी स्कॉलरशिप टाइप करेंगे तो आप इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो सबसे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको इसे कट कर देना है और कट करने के बाद आपके सामने जो यूपी स्कॉलरशिप यानी उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली की जो मुख्य वेबसाइट है आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो मित्रों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर दोस्तों आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप फ्रेश लॉगिन कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, अगर पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि दोस्तों 10th में या फिर दोस्तों 12th में या फिर आपको बीए सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिन्यूअल वाला ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आज नया यानी फ्रेश कैंडिडेट का दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर का। तो दोस्तों इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को स्टडी 95 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको फ्रेश कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे यहाँ पर डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है समाज कल्याण उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है समाज कल्याण उत्तर प्रदेश विभाग SC ST, अगर दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर यानी आप SC ST यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में से आपको यहाँ पर जो भी डिटेल है आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप प्री मेट्रिक का रजिस्ट्रेशन 9th का यानी 10th का करना चाहते हैं दोस्तों आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा SC ST के लिए। अगर आप दोस्तों 11 और 12 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं दोस्तों आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक देना यानी BA BSc BCom का रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेश कैंडिडेट का तो दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप यूपी स्कॉलरशिप जैसे दोस्तों अदर स्टेट से हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने है OBC यानी OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं या OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका आपको मैंने जो पिछले में दोस्तों आपको वीडियो में बताया है उसी तरह से आपको यहाँ पर फ्रेश यानी फ्रेश कैंडिडेट का 9th 10th का आप यहाँ पर करेंगे, उसके बाद 11 12 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर BA BSc BCom का मिल जाएगा। इस वाली कैटेगरी में दोस्तों आपको यहाँ पर अल्पसंख्यक का मिल जाएगा यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से आपको अगर बिलोंग करते हैं आपको इस वाले ऑप्शन में चूज़ करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट का दोस्तों बीए का जो बीए फर्स्ट ईयर का है वो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट OBC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुल जाएगा। जैसा ही दोस्तों यहाँ पर जो रेड कलर से दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सबसे पहले इसे आपको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है ये वाली इस वाली लाइन को लिखा हुआ मिल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्र द्वारा सही सही स्वयं भरा जाना चाहिए। जन्मतिथि नाम तथा पिता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र आधार में अंकित विवरण के अनुसार ही भरा जाए। अगर दोस्तों आप इसे मिसमैच कर देते हैं तो ये डाटा ऑथेंटिकेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगा, आपको वो सही डिटेल भरनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्टि किया जाना है। दोस्तों जिस पर स्टार लगा हुआ है वो दोस्तों आपको अनिवार्य भरना ही है, फिल जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में प्रविष्टि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में की जानी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरकर बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं इस डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जिला,
दोस्तों आप जिस छात्र जहाँ पर अध्ययनरत है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसे दोस्तों मैं यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर शिक्षा संस्थान का नाम भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जिस भी शिक्षा संस्थान यानी जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वो कॉलेज दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। कॉलेज चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक थर्ड वाला जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन मिलता है वर्ग एवं जाति समूह, तो दोस्तों आपको यहाँ से पहले से यानी पिछड़ा वर्ग OBC दोस्तों यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको अपना धर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी छात्र छात्रा का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट के में जैसा भी आपका नाम दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ हो, वैसा ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यानी पिताजी का नाम आपको यहाँ पर सिक्स नंबर कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ माता का नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर जिस तरह से आपकी जो भी हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ, जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर पड़ी हुई, वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना लिंग यानी जो भी मेल या फीमेल है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर नीचे स्क्रॉल ऑन करना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको UP बोर्ड, उसके बाद दोस्तों CBSE बोर्ड, उसके बाद ICSE बोर्ड, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके दोस्तों मैं यहाँ पर अपना UP बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। UP बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलता है हाई स्कूल का अनुक्रमांक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर हाई स्कूल का अनुक्रमांक है जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। हाई स्कूल का जब दोस्तों हम यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने विद्यालय यानी जो 14 नंबर कॉलम है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जहाँ से दोस्तों आपने हाई स्कूल पास किया वो दोस्तों हाई स्कूल के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जो मेन है बात, वो दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर कॉलम में आपको दी गई है मोबाइल नंबर जो भी आधार से लिंक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर लिंक नहीं है, तो दोस्तों आपका फॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन समय दोस्तों आपको यहाँ पर सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो दोस्तों आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ही वही लिखा गया है, दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड पर जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर 15 नंबर कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का, ये दोस्तों ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दोस्तों आप फिल कर दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल भी नहीं कर सकते हैं और फिल कर भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है स्वनिर्मित पासवर्ड 8 से 12 अंकों का। इसमें दोस्तों आपको एक पासवर्ड बनाना होगा 8 से 12 अंकों का और वही पासवर्ड दोस्तों 19 नंबर कॉलम में आपको फिल करना होगा। और दोस्तों ये जो कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इस वाले बॉक्स में जैसे ही फिल करेंगे तो दोस्तों आपको एक नीचे सबमिट वाला बटन मिलेगा, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद दोस्तों मैं सबमिट करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी डिटेल भर लेता हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बताया था मैंने, दोस्तों मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। मैंने यहाँ पर दोस्तों छात्र का नाम, पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जन्मतिथि हाई स्कूल के आधार पर, उसके बाद लिंग, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल को फिल करने का बाद, उसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड और हाई स्कूल का रोल नंबर और हाई स्कूल जिस जहाँ से दोस्तों हाई स्कूल किया था, वो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों मोबाइल नंबर आधार से लिंक, तो मैंने यहाँ पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो कि पासवर्ड है, वो दोस्तों मैंने 8 से 12 अंकों का दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पर बना कर डाल देना है। अगर दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना नहीं आता दोस्तों, मैं यहाँ पर नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ पासवर्ड लेंथ कैन बी 8 से 12 करेक्टर यानी 8 से 12 अंकों का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करके यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पासवर्ड लेंथ कैन बी बिटवीन 8 से 12 करेक्टर यानी 8 से दोस्तों यहाँ पर 12 के बीच में दोस्तों अंक और दोस्तों यहाँ पर कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर
यहाँ पर लिखा हुआ है वन नंबर कैपिटल लेटर, अपने स्पेशल करेक्टर यहाँ पर स्पेशल करेक्टर दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों शुड नॉट बी एयरली थ्री पासवर्ड, यानी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ही दोस्तों आपका नाम अजय है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर इस तरह से आपको पहला अक्षर यहाँ पर डाल देना है फर्स्ट कैपिटल में। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपको ऐट द रेट लगा देना है, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी एक दो चार अंक यहाँ पर डाल देने हैं। इस तरह से आपको इस तरह से अपना पासवर्ड बना लेना है। तो दोस्तों इस तरह का जैसे पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको सबमिट का। दोस्तों आप जैसे ही इस पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों सबमिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया तो दोस्तों मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यदि दोस्तों यहाँ पर छात्र एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दसमोत्तर छात्र व शुल्क प्रतिपूर्ति 2021 बीच यहाँ पर लिखकर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अध्ययनरत छात्रा फिर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो स्लिप है वो दोस्तों यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर लिखकर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों मेरा यहाँ पर लिखकर आ रहा है, यहाँ पर लिखा है इस नंबर को नोट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सत्र, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ज़िला, उसके बाद दोस्तों जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो, उसके बाद हमारी कैटेगरी और दोस्तों हमारा जो भी नाम और डिटेल है वो दोस्तों यहाँ पर लिखकर आ चुकी है। फिर देखिए दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ PDF भी यहाँ से इस तरह से दोस्तों प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करना आपको, और प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दोस्तों आपको इसकी PDF बना के रख लेनी है, और PDF बनाने के बाद दोस्तों आपको इसे लॉगिन करना है फ्रेश स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आगे की जो प्रोसेस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दोस्तों डिटेल से आपको बताएंगे तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और दोस्तों जो इसकी जो आगे का प्रोसेस है वो दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।